आज मैं अहिंसा भड़क उठी हिंसा से इस पर सदगुरु दरिया साहब बिहार वाले की गंभीर चेतावनी, जिनमें मांसाहारी व्यक्ति राम राम कह रहा है लेकिन राम को नहीं पहचान रहा है। अरे जिनमें मांसाहारी व्यक्ति राम राम कह रहा है लेकिन राम को, दोस्तों यह तो पहला स्तर की बात हुआ, लेकिन दूसरा स्तर पर मांसाहारी व्यक्ति स्वयं कर्मा अनुसार सुअर बन गया है। इसी के संबंध में मैं बाबा कैसेट कंपनी के तरफ से पेश करने जा रहा हूँ, जिनमें 8 लाइन भूमिका के अंतर्गत भाव है कि अरे विद्युत विश्व में है हिंसा की कहानी, भागवत गीता को समझ नहीं पाया, नाहक में जन्म गवाया है मानव, अहिंसा बिनो मानव दानो कहाया, वेद पुराण रामायण कहाँ है, अहिंसा बिना नर दोजक में जाते, कि सिलसिला चर सिलसिला वो बनती रहेगी, चर दोजक में स्वयं ही मानव जाते। साथियों रामायण क्या कह रहा है और हम किस अंधेरे में पड़े हुए हैं, जरा इस कहानी को कलेजा थाम कर सुनिएगा मेरे हिंदुस्तान के निवासियों। चले रामायण क्या कह रहा है और हम किस अंधेरे में पड़े हुए हैं, जरा कलेजा थाम कर सुनिएगा मेरे हिंदुस्तान के निवासियों की रामायण क्या कह रहा है और हम किस अंधेरे में पड़े हुए हैं। इसी के संबंध में एक कवाली का तर्ज बा तर्ज हुए बा मास्टर, कि मैं झूठी अगर बोलूं फांसी पे चढ़ा देना, फांसी पे चढ़ा देना। सतमार्ग सतमार्ग पद्धत उनकी, ज्ञान दे के तगा देना, लेकिन होता है क्या भाव है कि अब सूगा फसा जल में, कैसे यह छूटेगा, फंसा जल में कैसे यह छूटेगा। शिकारी शिकारी सोचा मन में कैसे यह बचेगा, yeah।
लेकिन कहानी की शुरुआत हो रही है शहर में, शहर हुए बा करे तुलसी कृत तुलसीदास की निशानी है। भागवत गीता रामायण की कहानी है। मचक चबराव कहा ये है। तीनों देहों में हरिया है आये हैं। रामायण गीता को लोग पढ़ते हैं। मीन मास भक्षण स्वयं ही करते हैं। राम रहीम को लोग नहीं जानते हैं। चरिय जी हमारी मास खूब जानते हैं। अब जाल लगा जग में कैसे यह छूटेगा। साथियों, एक ब्राह्मण का बनाया हुआ श्राद्ध संग्रह ग्रंथ है कि अगर मांसाहारी ब्राह्मण श्राद्ध कर देगा तो 3.5 हस्त भूमि शुद्ध। इसी के संबंध में आगे गीत लगे गीत हुए बा हाँ गीतिया हुए बा कर सुनिला की ससुरे में झरझर मोती झरे। चर मुरले के सातुआ सा पनवाए बाबू जी हो। लेकिन होता है क्या करमिन मासु खाई खाई रम के नाची ना ले। चरे राम राम कही कही राम राम कही कही भेदो ना पवले मनाइया हो। मांसाहारी व्यक्ति राम राम कह रहा है लेकिन राम को नहीं पहचान रहा है। कर मांसाहारी ब्राह्मण श्राद्ध यदि करी है जहाँ पर यह व्यक्ति भोजन करेगा तहाँ पर क्या होगा। चरे 3.5 हाथ भूमि शुद्ध हो गई है। साढ़े 3 हाथ भूमि जो है अशुद्ध हो जाएगा। करनाक में जन्म गोले मनैया हो। नाक में जन्म गोले मनैया हो। नाक में जन्म गोले
कर मिनमा सुखाई खाई मिनमा सुखाई खाई राम के नाच नले मनाई आहो आपको मनुष्य में सभी मनुष्य नहीं आपको 100% में 15% जो है अच्छे क्वालिटी के व्यक्ति मिलेंगे जो कि राम राम कहेंगे लेकिन राम को नहीं पहचानेंगे। 15% जो है व्यक्ति राम राम कहेंगे और राम को पहचानेंगे और 85% जो है मांसाहारी व्यक्ति राम राम कहेंगे लेकिन राम को नहीं पहचानेंगे। आगे गीत बा गीत हुए बा करी का धा काहे न बसिया बजाइ रे दियो दोस्तों हर एक व्यक्ति के पास तीन नेत्र पाया जाता है। कौन कौन सा करे हर व्यक्ति के पास तीन नेत्र पाया जाता है। कौन कौन सा पहला नेत्र वो है कि हम आंख से देखते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं वह पहला नेत्र है। और दूसरा नेत्र वो है कि हम आंख से देखते हैं और पढ़ भी लेते हैं वह नेत्र शिक्षक के द्वारा मिलता है जो कि बच्चा सब शिक्षक के पास जाते हैं और शिक्षक सब स्वर व्यंजन वावेल का से नेत्र रूपी नेत्र जो है बच्चों को दे देता है और उसी के माध्यम से देखता है यह दूसरा नेत्र है। और तीसरा नेत्र वह है जिसे सद्गुरु के द्वारा प्राप्त होता है जिसे दिव्य चक्षु कहते हैं और दिव्य चक्षु के द्वारा परलौकिक के दृश्यों को साधक देखता है। तो यहाँ पर ज्ञान नेत्र के द्वारा देखा जाए तो कितने प्रकार के सुअर गिने जा रहे हैं। 11 हृदय रूपी तराजू है 11 तराजू है आलू प्याज बैगन तोलने वाला और ज्ञान नेत्र के द्वारा देखा जाए तो हृदय रूपी भी तराजू है जो कि चिन्हा जा सकता है पहचाना जा सकता है उस नेत्र के द्वारा। यहाँ पर ज्ञान नेत्र के द्वारा देखा जा रहा है तो कितने प्रकार के सुअर गिने जा रहे हैं कि रिबंदा ज्ञान चक्षु से सुअर देखी रे ले रिबंदा यदि ज्ञान नेत्र के द्वारा देखा जाए तो कितने प्रकार के सुअर हैं कर पहला सुअर जल के भाई पहला सुअर जल के भाई दोस्तों पहला सुअर वह है जिसे लोग मछली कहते हैं करे पहला सुअर वह है जिसे लोग मछली के नाम से संबोधित करते हैं जो कि मछली को फंसाने के लिए लोग कांटा में आटा लगाते हैं या तो केचुआ घोते हैं तब जाकर मछलियां फंसती हैं। जब तक ले आप कांटा में आटा या केचुआ नहीं लगाएंगे तब तक ले सुबह से शाम तक एक भी मछलियां नहीं फंसेगी। तो यह पहला सुअर है क्या पहला सुअर जल के भाई पहला कर उन सबको करत सफाई कर उन सबको करत सफाई रे बंदा ज्ञान चक्षु से सुअर देखी रे ले रे बंदा तो पहला स्वर वह है जिसे लोग मछली कहते हैं और दूसरा स्वर कौन है कर दूजे स्वर स्वर है भाई दूजे स्वर स्वर है भाई दूजे स्वर स्वर है भाई
दूसरा स्वर वो है जो कि आसी पासी भंगी सब रखते हैं, जितना मनुष्य मैला करेगा सबको साफ कर डालता है वह सुअर। कर दूजे सुअर सुअर है भाई, दूजे सुअर सुअर है भाई, दूजे सुअर सुअर है भाई। घूम घूम के मैला खाई, घूम घूम कर मैला खाई, घूम घूम के मैला खाई। जो कि घूम घूम कर मैला खाती है वो दूसरा सुअर है। कर घूम घूम कर मैला खाई रे बंदा, रे बंदा ज्ञान चक्षु से सुअर देखी रे ले रे बंदा, दोस्तों यहाँ पर ज्ञान नेत्र के द्वारा देखा जाए तो यह दूसरा सुअर है। और तीसरा सुअर वह है कौन जो कि मछली को और सुअर को मार कर भक्षण कर डालता है, वह व्यक्ति तीसरा सुअर बन जाते है जिसे 85% में घोषित कर दिया गया है। कर तीजे सुअर मनो है भाई, तीजे सुअर मनो है भाई, तीजे सुअर मनो है भाई। तीसरा सुअर वह है जो कि मनुष्य है, मछली को सुअर को भी मार कर भक्षण कर डालता है। दोस्तों यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति पेशाब कर दे देह पर तो तुरंत क्रांति छिड़ जाएगा कि हमारे देह पर क्यों पेशाब व्यक्ति कर दिया। अगर बकरी कर दे चाहे सुअर कर दे तो लोग न फिक्र हो जाएंगे, क्रांति छेड़ देंगे। अब ज्ञान नेत्र के द्वारा देखा जाए तो उस बकरी का सुअर का आड़ी जूजी मैला मूत्र सब कुछ खा डालते हैं और कहते हैं कि मैं राम का पक्का पुजेरी हूँ। यदि आपका कपड़ा मैल हो जा रहा है तब तुरंत साबुन सोडा लगाते हैं। यदि आपके देखिए दोस्तों हिंदू समाज के अंतर्गत जो मंदिर हैं, हिंदू समाज के अंतर्गत मंदिर हैं, तो उस मंदिर में यदि गाय का मांस रख दिया जाए तो तुरंत मांसाहारी व्यक्ति क्रांति छेड़ देगा। और मुसलमान समाज के अंतर्गत जो मस्जिद है उस मस्जिद में सुअर का मांस रख दिया जाएगा तो तुरंत क्रांति छिड़ जाएगा। तो यहाँ पर एक 12 मंदिर है, एक 12 कब्र मस्जिद है, तो 12 और वही व्यक्ति इस पेट को कब्रस्थान श्मशान घाट बना रखता है और वही व्यक्ति कहता है कि यह जो है ओरिजिनल मंदिर है, शरीर रूपी ओरिजिनल मंदिर है। अरे दिल मत तोड़, दिल तो खुदा का है मुसलमान लोग कहते हैं और ये लोग कहते हैं हिंदू लोग कि ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठ, वे जो ईश्वर हैं सबके हृदय में निवास करते हैं। और क्या कहते हैं चौपाई लोग पढ़ते हैं, साखी लोग पढ़ते हैं क्या कि एक जीव के बध से महापाप प्रवेश, अत्रे देवा बध होत है ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों जाना का बध हो जाला। अब वही के लोग मार के भक्षण कर लिया, कहे कि हम राम का पक्का पुजेरी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, कर तीजे स्वर मनो है भाई, तीजे स्वर है भाई, तीजे स्वर मनो है भाई। तीसरा स्वर वह है जिसे लोग मनुष्य कहते हैं, कर खाखा करत पढ़ाई, इधर जो है खाकर खूब बड़ाई बतियाता है कि मैं आज अच्छा भोजन किए हैं, और कोई व्यक्ति अट सट बोल दे तो तुरंत क्रांति छिड़ जाता है। लेकिन होता है क्या, चर खाका करत बड़ाई रे बंदा, रे बंदा ज्ञान चक्षु से सुअर देखी रे ले रे बंदा, तो मुर्दा शब्द तब आता है। अरे मुर्दा शब्द तब आता है जब स्पष्ट भौतिक शरीर से जीव निकल जाता है तो मुर्दा शब्द आता है। चाहे बकरी हुआ, मछली हुआ, सुअर हुआ, कोई व्यक्ति जिंदा नहीं खाता है, मुहाकर ही खाता है। दोस्तों ज्ञान नेत्र के द्वारा देखा जाए यहाँ पर तो एक हिंदू समाज के घर पर, एक मुसलमान समाज के घर पर व्यक्ति मर जाता है तो उसे टिकटिक सजा कर कब्रस्थान एवं श्मशान घाट धरा दिया जाता है। और
एक ज्ञान नेत्र के द्वारा देखा जाए तो 12 से मुर्दा लेकर चले आते हैं और इसी पेट को कब्र स्थान श्मशान घाट बना दे डालते हैं, तो उसी पर तर्ज बा तर्ज हुए बा। चर लोलकी महालिया में लोल की चुनरिया ये राम लोल ए राम लोल की चुनरिया ए राम लोल की चुनरिया दगिया लागल हो राम साथियों, मुर्दा शब्द तब आता है जब इस पच भौतिक शरीर से जीव निकल जाता है, तब मुर्दा शब्द आता है। अरे तब मुर्दा शब्द आता है जब इस पच भौतिक शरीर से जीव निकल जाता है तो, लेकिन होता है क्या, अरे अपने ही घर में मुरू डाली मोरे राम मोरू ए रामा उहे रे मुर्दावा ए रामा उहे रे मुर्दावा चुल पर बन ले हो राम दोस्तों, वही मुर्दा जो है चुल पर बनता है और क्या होता है, कर खाई ये पी के तो कब्र स्थान बनवलन मोरे राम कब्र ए रामा पेट के बनवले ए रामा पेट के बनवले श्मशान हो राम दोस्तों, इस पेट ही को लोग कब्र स्थान एवं श्मशान घाट बना रखे हैं और कहते हैं कि मैं राम का पक्का पुजेरी हूं। बंधु, यदि आपका एक हीरो हुंडा छीन लिया जाए तो तुरंत केस करने चले जाएंगे थाना में, गोली भी चल जाएगा। लेकिन होता है क्या, इधर आपका एक हीरो हुंडा छीन लिया जाए तो आप खुश नहीं रहते हैं, चूंकि नाराज ही रहते हैं। अरे इधर आपका एक हीरो हुंडा छीन लिया जाता है तो आप खुश नहीं रहते हैं, चूंकि नाराज ही। लेकिन आपको कितना हो दाल भात खिलाया जाएगा तो प्रेम नहीं करेंगे, कितना हो खुशामत किया जाएगा तो लेकिन आप खुश नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर होता है क्या, गणेश जी का सवारी क्या है, उनका हीरो हुंडा क्या है, तो एक चूहा है जिसे मूस कहते हैं लोग। लेकिन आज यहाँ पर देखा जाए तो उसी मूस को लोग मार कर भक्षर कर डालते हैं और कहते हैं क्या, इधर क्या करते हैं कि स्नान कर कर ध्यान धरते हैं गणेश जी के मंदिर में जाकर, धूप दिखाते हैं अगरबत्ती दिखाते हैं कि ताकि गणेश जी खुश हो जाए। लेकिन यहाँ पर गणेश जी को खुशामत करने के लिए धूप अगरबत्ती सब कुछ दिखाते हैं और इधर मूस को मार कर भक्षर कर डालते हैं और कहते हैं क्या आरती में, अरे जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा अम्मा तो तेरी पार्वती पितामह देवा। यही धूम मंदिर में आरती स्टार्ट कर देते हैं लोग और वही व्यक्ति लोग कहते हैं क्या कि राम जो जो हैं वो मछली रूप कछुआ रूप ब्रा रूप धारण किए हुए हैं और इन्हीं को लोग मार के बछर कर डालते हैं और कहते हैं क्या कि राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम। हो मंगल भवन बहु सुदशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम
मंदिर में जाकर यही चौपाई साखी दोहराने लगते हैं लोग, और उनको भी मारकर बछड़ कर डालते हैं जो कि गणेश जी का सवारी रहता है। तो आप ही बताइए, जबकि आपका एक हीरो होंडा छीन लिया जाता है, अरे जब आपकी एक हीरो होंडा छीन लिया जाता है तो आप खुश नहीं रहते, चूंकि नाराज ही रहते हैं। तो इधर गणेश जी का सवारी मूस को मारकर बछड़ कर डालेंगे तो क्या गणेश जी खुश रहेंगे? कदापि नहीं। तो ये 85% जो लोग हैं, जो मांसाहारी व्यक्ति हैं, ये सिर्फ राम राम कह रहे हैं लेकिन राम को नहीं जान रहे हैं, न पहचान रहे हैं। आगे तर्ज बात तर्ज हुए बा मास्टर। करिया अक्षर भैंस बराबर कर रही गई लन पचासी की ना जनलन कैसन, की ना जनलन कैसन मथुरा काशी, ना जनलन कैसन दोस्तों ये लोग मथुरा और काशी की क्या हाल जानेंगे, गणेश जी की क्या हाल जानेंगे, राम और रहीम की क्या हाल जानेंगे कि कहाँ पर राम है, कहाँ पर रहीम है, कहाँ पर गणेश जी है। और इन्हीं लोग को लोग मारकर बछड़ को डालते हैं। यही नहीं, जब ताड़ी शराब पी लेते हैं लोग तो बड़का भी बन जाते हैं लोग, जब हमारे आगे कोई नहीं है। अरे बड़े बड़े जाना यह मछली पे धावे लन, मछली न मिले ला तो सुअरा चबावे लन, कर मीट मसराब पी के, कर मीट मसराब पी के अकबक निकासी, की ना जनलन कैसन, की ना जनलन कैसन मथुरा काशी, ना जनलन कैसन। दोस्तों ये लोग मथुरा और काशी की क्या हाल जानेंगे। एक यहीं पर ठीक उसी प्रकार से रखते हैं जिस तरह से सुग्गा रट रहा था। एक महात्मा जी थे, वह महात्मा जी गए जंगल में और जंगल में से एक सुग्गा को फंसा कर लेकर चले आए। तो उस सुग्गा को सिखला रहे हैं कि पहलिया आवेगा जाल बिछाएगा चारा छीटेगा, चारे के फंदा में मत पड़ना। यही आवाज यही बाणी महात्मा जी उस सुग्गा को सिखला रहे हैं। जब सुग्गा ने सीख लिया तो महात्मा जी सोचे कि रहिए भाई इसको छोड़ दिया जाए, ताकि यह सुग्गा जाकर जंगल में पूरा सुग्गों को सिखला डालेगा, और जब पूरा सुग्गा सीख लेंगे तो कोई जाल में नहीं फंसेंगे। तो यही विचार करके महात्मा जी सुग्गा को छोड़ दिए। वह सुग्गा गया जंगल में तो पूरा सुग्गों को सिखला रहा है क्या कि बहलिया आवेगा जाल बिछाएगा चारा छीटेगा चारे के फंदा में मत फंसना। यही आवाज यही बाड़ी सुग्गा को सिखला रहा है सब सुग्गा। तो जब सब सुग्गे सीख लिए तो महात्मा जी सोचे कि हे भाई रहिए इसका परीक्षा लिया जाए, ताकि देखा जाए कि ये सब जाल में फंसते हैं सब कि नहीं फंसते हैं। तो एक परीक्षा लेने के लिए बहलिया को बुलाया और उस बहलिया से कह रहे हैं क्या क्या बहलिया, यदि एक सुग्गा फंस जाएगा तो मैं तुझे 10 रुपया दूंगा, इसी प्रकार से जितना सुग्गा फंसेगा मैं उतना रुपया तुझे दूंगा। तो ये विचार कर बहलिया ने सोचा कि रही अब चला जाए, रुपया भी कुछ कमा लेंगे। तो रुपया कमाने के लिए आया स्थान पर, जंगल में चला गया जाल लेकर। तो जब जंगल में चला गया तो वहां पर फंसा रहा है, और फंसाने के बाद क्या कर रहा है, जब सुग्गा सब फंस जा रहे हैं, जाल बिछाया और चारा छीटा, चारा छीटने के पश्चात कुछ सुग्गा जो है भरभरा करा कर उतर जा रहे हैं, और उतर जाने के बाद वहां पर रट भी रहे हैं और कह भी रहे हैं सब क्या कि बहलिया आवेगा जाल बिछाएगा चारा छीटेगा चारे के फंदा में मत पड़ना। यही आवाज यही बाड़ी सब रट रहे हैं। बहलिया भी पछता रहा, क्यों यदि यही कार में सर्वप्रथम थी होते तो सुबह से अब तक कितना
गुरु आत्मा को बुझे, अपने दुख के समान दूसरे को बुझे। जबकि यहाँ पर कहा गया है कि एक जीव के बद थे महापाप प्रवेश, अत्रिय देवापद होते ब्रह्मा विष्णु महेश। तो दोस्तों यहाँ पर समझौता के लिए तर्ज लगे तर्ज हुए बा, कि कहलन भारत के जननवा रे, कहलन भारत के जननवा रे, सजनवा हमार। दोस्तों यही भाव है, लेकिन होता है क्या, अरे छूटी जई है कि छूटी जई है काया की शरीरिया रे, चल छूटी जई है काया की शरीरिया रे, पिजड़वा बेकार हो जई है, दोस्तों यह सब छूट जाएगा। लेकिन होता है क्या, कोई भी भक्ति से ही शक्ति मिला है, चाहे रावण हुआ चाहे कौरव हुआ कंस हुआ, ये सब पहले भक्ति किए तब शक्ति पाए हैं। क्या रे भक्ति से शक्ति हवान सब के हु जानत बा, जानत बा जानत बाते माया में फसल बा, क्या रे छूटी जई है माया के भवनवा रे, कि छूटी जई है माया के भवनवा रे, पिजड़वा बेकार हो जई है। दोस्तों जितने माया का धन, क्या रे छूटी जई है माया के पिजड़वा रे, कि छूटी जई है माया के पिजड़वा रे, पिजड़वा बेकार हो जई है। दोस्तों ये माया का धन दौलत सब कुछ छूट जाएगा, तो किस लिए यह जो जन्म जो है नरक में बिगार में किया जा रहा है, इस हीरा रूपी बंधु। अरे यह मनुष्य का जन्म जो है एक हीरा के समान है, लेकिन आज हीरा रूपी जन्म को ठुकराया जा रहा है। कैसे आगे गीत बा, गीत हुए बा, वे तर्जिया बा, जर काहे तू जरावेला, काहे तू जरावेला, कि सोने के चिराइया के काहे तू जरावेला। दोस्तों ये तो एक प्रकार का तर्ज था, लेकिन कवि का भाव है क्या, अरे काहे तू बिगाड़ेला, अब काहे तू बिगाड़ेला, हीरा रूपी जाना माँ के काहे तू बिगा, जो रावे मछली रूप कछुआ रूप धारण किए हुए हैं। तो होता है क्या, कर मचा कच बरा स्वरूपी हरि धरे ले शरीरिया, अधर बे ध्यान हम कर बे भजनिया,
कहीं एकरा के चरिया जू कहीं एकरा के खिलौना बनावे लो अहीरा ऐसा जाना मगे कहे तू बिगारे लो यह जो मनुष्य का जन्म एक हीरा जैसा है, अरे यह मनुष्य का जन्म जो है एक हीरा जैसा है, लेकिन इस हीरा रूपी जन्म को दोजख में अर्थात नरक में डाल दिया जाता है, जबकि राम को मार कर बछर कर डालते हैं, ताकि गीत बा गीत हुए बा कि हो सुगना चे तीला चर सुगना चे तीला साहेब के नगरिया साहेब के डगरिया हो सुगना चे तीला दोस्तों जहां से अजीब आया है उस देश को चेत करिए क्यार तू हरे महलिया के कीमत न रही है महल बनावल बेकार हो गई है चर बेकार हो जाई है हो सुगना चे तीला हो सुगना चे तीला साहेब के नगरिया साहेब के डगरिया हो लेकिन दोस्तों होता है क्या उस देश को जहां से अजीब आया है जो कि अमर लोग कहा जाता है अमने नहीं मर मने मरता जो कभी मरता न हो उसे अमर कहते हैं और वह देश है उसी देश से अजीब आया है लेकिन आगे गीत बा गीत हुए बा करियावा कबूतर नियार तू के पढ़ाई बबुआ सखर लेकिन होता है क्या कर दिहले सतगुरु यह बता लाई भलाई का पैया सोचा दिले कर जन्म मरण दूसह दुख होई साथियों इस मनुष्य को जन्मना और मरना दुना दुख होता है क्या जन्म मरण दूसह दुख होई अब बारुदया दिल दीपक सोई कर भटका मेटे नामो लभेटाई भलाई कऊ पैया सोचा भटका भटका
दोस्तों वो घर वो अमर लोग कम मिलेगा, वो जो मूल चीज है जो जड़ चीज है वो कम मिलेगा जब गुरु के शरण में जाएंगे तब। लेकिन ओद बा आगे गीत बा गीत हुए बा बेगी गहो गुरु चरण पीछे पछताई बहू हे संतो नाहक में, हे संतो नाहक में फेरी मर जाई बहू का घर जाई बहू, हे संतो नाहक कहते हैं जब यह अजीव कर्मानुसार सुअर में गिद्ध में चला जाएगा तो फिर मनुष्य का जन्म नहीं मिलेगा, फिर ऐसा बिल्डिंग ऐसा सोने का घर नहीं मिलेगा कि संतो नाका में फेरी मारी जय बहू कहाँ घर छय बहू हे संतो। चरु लटी पलटी भव सागर रहटा पाधै बहु हे संतो चारी च कि संतो चारी च रन दुई सिंह भू साखर खाई बहु हे संतो चारी च। साथियों ये जितने जीव हैं अहिंसा जीव पर दया नहीं करते हैं उसी पर है डेरी है डेरी वही है। अरे अहिंसा के दिल में हिंसा बस गया, अरे अहिंसा के दिल में हिंसा बस गया वेद शास्त्र की है यह कहानी अहिंसा के दिल में हिंसा बस गया। साथियों वेद शास्त्र क्या कह रहा है लेकिन विदेशिया है यहां पर क्या रे यमदूत छतिया पे आई के जब बैठी है चर धन दौलती छूटी जई है सुगनावा, चर भाई बंधु का मेना आई है नई हर से साथ छूटी, क्या रे छूटी जाए हैं लोगाये लोगाई या सुगना, क्या रे सखिया सले हरी रोई है चर रोई है सब लगावा हो, चर रोई रोई घरे रही जई है सुगनावा, हिंसा के काम कैला नरक में तू गईला, क्या रे घोर दुख सहप तू जाई के सुगनावा, स
साथियों, जब यह जीव नरक में चला जाएगा तो अनेकों प्रकार के दुखों को, अनेकों प्रकार के कष्टों को झेलेगा। अरे जब यह जीव नरक में चला जाता है तो अनेकों प्रकार के कष्टों को, अनेकों प्रकार के दुखों को झेलेगा। लेकिन होता है क्या, पापट है यहाँ पर, कैसे झेलेगा? करे दया बिना यह मुक्ति कहाँ, करे दया बिना यह मुक्ति कहाँ, नरक खानी प्राणी आइल बा, आई अपराध करते ये जीव सानी प्राणी आइल बा, अपराध अंधकूप में सिंह पर के हर के जान जाला हो। साथियों, अंधकूप में एक कुआं था, उसमें सिंह गिरकर मर गया। ठीक उसी प्रकार से अज्ञानता में जो यह मनुष्य पड़ जाता है तो कष्ट झेलता है, जिस तरह से सिंह झेल रहा था। अरे अंधकूप में सिंह पर के हर के जान जाला हो, अब पाप पुण्य करते यह मानो जीव पर ल डाला हो, कर नौगुण का धरत के अभिमानी प्राणी आइल बा, अब भचड़ करके बन है मानो ज्ञानी प्राणी आइल बा, भचड़ अज्ञानता के जंजीर में जालन हो जका, कर के तनो छुड़ाई या जंजीर नहीं छूट रे भैया, ना कम जीवन यह जलन हो गवा, कर साता गुर के साथ दई हो बिहलन बिसारी रे भैया, कर सत पुरुषा हब के गैलन हो भुला, साथियों उस बार ब्रह्म परमात्मा को भूल जाने के हेतु से अनेकों प्रकार दुखों को, अनेकों प्रकार के कष्टों को झेल रहा है। दोजक अर्थात नरक में यह जीव जा रहा है, गंवा रहा है, दुख को झेल रहा है। तो उड़ान है, उड़ान वही है। दो जग में जीवन तू गवाला बीरना, आ तू हरियाफत में परनवा तू बचाला बीरना, तू हर भागवत गीता रामायण सुनाई, अमीन मास देले खूब रच के बनाई, चर सत मार्ग में जीवन तू लगा लो बीरना, आ तू हरियाफत में परनवा तू बचा लो बीरना,
दोस्तों अंतिम निचोड़ में समझौता के लिए कहा गया है। सब कुछ समझाते हुए दरिया साहब जो है अपने अमर लोक को चले गए। कर सतगुर दरिया साहब भय अमर पुरवासी, लिखते राम दुलार हिंसा बना जीव का फांसी। कि अरे अहिंसा के दिल में हिंसा बस गया, अरे अहिंसा के दिल में हिंसा बस गया। गायक शेषनाथ की है यह कहानी, अहिंसा के दिल में हिंसा बस गया। साहब के चरनिया में मन पे रागल, चर रौरी चरनिया में दास आ गई, हो तू हर दास आ गई। बुद्धि नहीं विद्या जुगतिया, अपन बेसहारा चारी और बस सतिया हो और बस सतिया। साहब के भजनिया में मन मोरा लागल, क्यर दर्शन बदे दिल में आस आ गई, हो तू हर दास आ गई। सुमन कया कल्प के निवासी, अरौर भजन करे नरयाव दासी हो नरयाव दासी। साहब के भजनिया में जे अनुराग, कर रौरी शरणिया में दास आ गई, हो तू हर दास आ गई। जन्म मरण दुसह दुख होई, अबार दया दिला दीपक सोई हो दीपक सोई। साहब के भजनिया में जे अनुराग,
कर ससनाथ के दिल में विश्वास आ गई, हो तू हर दास आ गई।